हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे सेक्शन 194I और सेक्शन 194IB को। मेरा नाम है सी अनुराग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन 194I है क्या? सेक्शन 194I है TDS ऑन रेंट। कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HOF जो रेंटल इनकम पे करता है बिल्डिंग या प्लांट और मशीनरी पे दूसरे इंडिविजुअल को, वेयर द अमाउंट पेड, जहाँ पे अमाउंट पेड जो है वो 240,000 पर एनम से ऊपर है, और उसको वो TDS वहाँ पे एक स्पेसिफाइड रेट में काटना पड़ता है। अब ये स्पेसिफाइड रेट क्या है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो फिलहाल क्या है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HOF जो भी रेंटल इनकम पे करता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को, एन अदर इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल हो उसको, और अमाउंट पेड जो है 240,000 पर एनम से ज़्यादा है, तो उसको एक स्पेसिफाइड रेट पे TDS काटना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या HOF टैक्स ऑडिट जो होता है हमारा सेक्शन 44AB में कवर्ड है, अगर वो पेमेंट करता है रेंट की, तब उसको TDS काटना पड़ता है उस पेमेंट पे। तो दो पॉइंट हो गए, एक तो इंडिविजुअल और HOF जो 44AB में कवर्ड नहीं है उनको TDS नहीं काटना पड़ता, TDS ऑन रेंट उनको नहीं काटना पड़ता। लेकिन जो इंडिविजुअल और HOF 44AB में कवर्ड हैं उनको TDS काटना पड़ता है अगर अमाउंट 240,000 से पर एनम से ऊपर है। ठीक है, पहले ये जो लिमिट थी ये 1,80,000 की थी। अब 44AB को एक बार ऊपर से देख लेते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसमें अगर 44AB आ रहा है तो उसको एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। 44AB में क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल या HOF या कोई भी बिजनेस है, अगर उसकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस एसेट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसका टैक्स ऑडिट होता है। ये लिमिट जो है 5 करोड़ कर दी गई अभी रिसेंटली, लेकिन उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी कैश रिसिप्ट जो है 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट तक लिमिटेड है। मान लो जैसे अगर आपकी दो करोड़ आपके रिसिप्ट्स हैं, लेकिन आपकी जो कैश रिसिप्ट्स हैं वो 5% से कम है, तो उस केस में आपकी जो टैक्स ऑडिट लिमिट है वो 5 करोड़ बनी जाएगी, ना कि 1 करोड़। लेकिन अगर जो इंडिविजुअल है वो प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर्स हो गए, और उनके लिए एक ग्रॉस रिसिप्ट की लिमिट होती है 50 लाख, तो 44AB में 3 लिमिट्स आ गई, 1 करोड़, 50 लाख या 5 करोड़ उनके लिए जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं लेकिन उनकी कैश रिसिप्ट जो है 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट लिमिटेड है। ठीक है, अब रेट्स क्या हैं TDS के, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्पेसिफाइड रेट्स, अब वो रेट्स क्या हैं। 10% है लैंड और बिल्डिंग या दोनों पर, ये रेंट की डेफिनेशन क्या है ये भी हम आगे देखते हैं अभी। 2% है मशीन और प्लांट और इक्विपमेंट पर। ठीक है, 10%, 2%, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहले ये लिमिट थी 1,80,000 1,80,000 पर एनम, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया 2,40,000 में, कब से, फाइनेंशियल ईयर 1920 से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिक्योरिटी, अगर जैसे लैंड लॉट कलेक्ट करते हैं क्या उस पर TDS कटता है? अगर वो सिक्योरिटी रिफंडेबल है कि बाद में आपको पेमेंट कर दी जाएगी, तो मतलब उसका एज अ जो कंसेप्ट है वो इनकम में कवर्ड नहीं हो रहा, उसकी इनकम नहीं है, उसने आपको रखा हुआ है और आपको जब भी आप खाली करेंगे वो आपको सिक्योरिटी पे कर दी जाएगी, तो उस पर TDS नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो रिफंडेबल नहीं है तब हम उस पर TDS काटेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफंडेबल है तो उसका तो कोई इनकम का है नहीं कंसेप्ट, जो आया उसने एज अ एजेंट आपका रखा और आपको वो पेमेंट कर देगा विदाउट टेकिंग एनीथिंग। लेकिन अगर वो अपने पास ही रख रहा है, उसको रिफंड नहीं करेगा, तब उस अमाउंट पे हम TDS काटेंगे। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रेंट में सर्विस चार्जेस इंक्लूडेड हैं, जो आपके मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं या आपके लिफ्ट के हो गए, ये सब चार्जेस जो होते हैं उसमें रेंट में माना जाता है, वो रेंट के अंडर आता है। अब रेंट की डेफिनेशन क्या है, रेंट होती है कोई भी पेमेंट, जैसे लीज, सब लीज, टेनेंसी और किसी भी एग्रीमेंट में अगर दी हुई है, किसके लिए, लैंड, बिल्डिंग में हम फैक्ट्री बिल्डिंग भी इंक्लूड करते हैं, लैंड अपर्टेनेंट होता है अटैच उस बिल्डिंग के साथ या उस फैक्ट्री बिल्डिंग के साथ, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम अपना TDS काटते हैं जो भी हम ये पेमेंट करते हैं।
अब सेक्शन 194 आई भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ये क्या होता है? फॉर इंडिविजुअल और एचओएफ जो 44 ए बी में कवर्ड नहीं है, अगर वो कोई रेंट पे करते हैं 50,000 पर मंथ, इसमें हम पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 240,000 पर एनम था, इसमें 6 लाख पर एनम है, तो उनका TDS का रेट क्या है? 5%. और ये कब से इफेक्टिव हुआ था? 1 जून 2017 से. जो इंडिविजुअल्स 44 ए बी में कवर्ड हैं उनका तो मैंने आपको बता दिया 240,000, 2% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 10% ऑन बिल्डिंग, वो हो गया. लेकिन जो इंडिविजुअल और एचओएफ 44 ए बी में कवर्ड नहीं है, 44 ए बी की लिमिट क्या थी? 1 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख प्रोफेशन के केस में, ठीक है, उसमें कवर्ड नहीं है. अगर वो पेमेंट करते हैं रेंट की 50,000 पर मंथ से ज़्यादा, तो उनके लिए TDS का रेट है 5%. ये कब से इफेक्टिव हुआ? 1 जून 2017 से. अभी मैं आपको इस चीज़ में पहले भी मैंने आपको शुरू किया वीडियो, उसमें भी आपको रेजिडेंट को अगर पेमेंट करते हैं, मैं बता रहा था, मैंने आपको बार बार ये पॉइंट कर, रेजिडेंट इंडिविजुअल को हम पेमेंट करते हैं, अगर नॉन रेजिडेंट को कवर्ड हो रहा है वो सेक्शन 195 में कवर्ड होगा, जिसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे एक बार. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके हो गए सारे कवर्ड. 194 आई और आई बी. आई में 2,40,000, बिल्डिंग के केस में, लैंड और बिल्डिंग के केस में क्या हो गया? 10%. प्लांट एंड मशीनरी के केस में हो गया 2%, ठीक है. पहले ये लिमिट थी 1,80,000 फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर नॉट असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1920 से ये लिमिट कर दी गई 2,40,000, ठीक है. रेट्स आपको बता दिए. अब इंडिविजुअल के केस में क्या है? इंडिविजुअल और एचओएफ जो 44 ए बी में कवर्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते. अगर नहीं कवर्ड हैं तो हम 50,000 की लिमिट लेंगे पर मंथ, यानी 6 लाख पर एनम, उस पर TDS का रेट है 5%. अगर वो कवर्ड है तो हम उसको वही 2,40,000 वाला रेट हो गया, ठीक है. तो ये था आज का वीडियो. अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या फीडबैक होता है, आप conceptdecoded@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.